फ्री कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक है, कॉपीराइट स्ट्राइक। सो हाय फ्रेंड, पेंटम टेक में आपका स्वागत है। अगर आपको स्ट्राइक नहीं चाहिए तो भाई मैं एक ही बात बोलूंगा, मानोगे तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। सो फ्रेंड, आज के ट्रेंड में चल रही कॉपीराइट म्यूजिक कहाँ से बनाए, कैसे बनाए, कैसे अपने बैकग्राउंड के अंदर में अच्छी म्यूजिक लगाए, या फिर कोई पॉपुलर यूट्यूबर के वीडियो में जो म्यूजिक आती है वो हम सोचते हैं कि कहाँ से ये अपलोड करें। अक्सर ये हमेशा सर्च में आती है, और जब भी आप यूट्यूब के अंदर में आप सर्च करोगे तो देन यहाँ पर आपको फ्री कॉपीराइट बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में बहुत ही ज़्यादा सर्च में रिजल्ट आती है। क्या करें जिसकी वजह से कॉपीराइट ना आए। बिल्कुल, अब ऐसी कई प्लेटफॉर्म हैं जो कि आपको फ्री म्यूजिक प्रोवाइड कराती है, जैसे एक NCS की ग्रुप है, इसे आप फ्री म्यूजिक प्रोवाइड कराती है। बट लेकिन क्या गारंटी है कि इन फ्यूचर में आपको ये कभी कॉपीराइट स्ट्राइक ना दे, या फिर हो सकता है कि आपका चैनल जब मोनेटाइजेशन के लिए आप भेजो उस समय आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाए। अब NCS की इतनी सारी स्टूडियो हो गई है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आप लाइसेंस के अंदर देखोगे वहाँ पर भी आपको लाइसेंस में शो नहीं कराएगा। हालाँकि मैं इसे प्ले करके कभी नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि मैं इसे प्ले करूँगा और मुझे नहीं पता इसका लाइसेंस कैसा है। सो मैं हो सकता है कि मेरे वीडियो के ऊपर स्ट्राइक आ जाए, इस वजह से मैं इसे प्ले करके नहीं दिखाऊँगा। अगर आपको वीडियो के अंदर में अच्छी म्यूजिक चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, अक्सर क्या होता है ना कि लोग ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, वहाँ पर 10 ₹5, 50 ₹, 100 ₹ या फिर मंथली सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जैसे ही आपका सब्सक्रिप्शन खत्म होता है, आपका सब्सक्रिप्शन खत्म होने की एंड रहती है, देन अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ली, उनकी म्यूजिक आपने ऐड कर ली, तो वो क्या करेंगे, कॉपीराइट दे देंगे। क्यों भाई, आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है और उनको चाहिए कि आप अपने वीडियो से वो म्यूजिक रिमूव करो, तो इस वजह से वो कॉपीराइट दे देते हैं। अगर आप मोबाइल के अंदर में खोल रहे हो तो आप क्रोम ब्राउजर में जाओ, वहाँ डेस्कटॉप मोड ऑन करो। डेस्कटॉप मोड ऑन करने के बाद आपका जो यूट्यूब का आइकॉन है उस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो सिंपली आप यहां पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करते हो यहां पर देखिए ऑडियो लाइब्रेरी आ जाएगी। अभी यहां देखिए ऑडियो लाइब्रेरी आ गई। मेरी ऑडियो लाइब्रेरी को मैं ओपन करता हूं। जैसे मैं इसे ओपन करूंगा यहां पर बहुत सारी म्यूजिक मुझे मिल जाती है। यहां से हम अपने वीडियो के अंदर में अच्छी अच्छी म्यूजिक अपलोड कर सकते हैं और अपने वीडियो को हम अच्छी एक परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको यहां पर दो चीज़ मिल जाता है। एक तो आपको ये तो फ्री वाला है, जितनी भी वीडियो इसमें आपको साउंड जितने भी आपको इसमें साउंड मिल जाते हैं वो सारे के सारे फ्री है। इसके अंदर आप सुन सकते हो कि किस हिसाब से साउंड है। आप इसमें से कोई भी अपने वीडियो के लाइक जो भी आपके वीडियो के रिलेटेड है उस पर आप म्यूजिक ले सकते हो, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। देन दूसरी होती है ऑडियो लाइब्रेरी क्लासिक। इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो यहाँ पर, तो इसके अंदर दो ऑप्शन मिल जाता है आपका। अब इसके अंदर भी आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आप जब ऑडियो लाइब्रेरी क्लासिक पे आप जाओगे यहाँ पर, तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप इधर एट्रीब्यूशन में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक मिल जाता है नॉट रिक्वायर्ड और दूसरी में मिल जाए रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में भी अगर आप क्लिक करते हो अच्छी म्यूजिक, इसके अंदर भी बहुत सारे आपको बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाएगी जो आपके वीडियो से रिलेटेड होगी। यहाँ पर आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हो एक एक साउंड आपको मिल जाएगा जो बढ़िया आपकी वीडियो के साथ मैच कर जाएगा। आपको उनको कोई पेमेंट नहीं देना है और उसके बाद उसका सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, ना लाइक करना, ना कोई पेज फॉलो करना है। बट लेकिन इन्हें इनका क्या नाम है कि आप जो डिस्क्रिप्शन में लिखते हो तो उसके अंदर इनको क्रेडिट दे दो। उससे क्या होता है कि आपका चैनल पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाय द वे, अगर क्रेडिट नहीं दोगे इसके अंदर में, अगर आप क्रेडिट नहीं देते हो तो हो सकता है मे बी आपके चैनल पर स्ट्राइक आ जाए। तो आप इसे सिंपली यहाँ से कॉपी करो। ये जैसे ये सोर्स और आर्टिस्ट है तो इसे आपको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है। देन अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसे पेस्ट कर दो सिंपली, और कुछ भी नहीं करना है। ये आपका कॉपीराइट फ्री हो जाएगा और आप इसे अच्छे तरह यूज कर सकते हो। इसके बाद आता है, इसके अंदर भी बहुत सारे म्यूजिक है जो आप यूज कर सकते हो अपने वीडियो के रिगार्ड में, अपने वीडियो के अंदर में जो भी आपका लगता है कि इस वीडियो से मैच कर जाएगा तो आप उसे यूज कर सकते हो। इसके अंदर भी बहुत सारे म्यूजिक दिया हुआ है। देन यहाँ पर आप मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर अगर आप जनरल में जाके यहाँ पर अल्टरनेट एम्बिएंट चिल्ड्रेंस, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं जिसके अंदर में आपको म्यूजिक तरह तरह के चेंज मिल जाएंगे और बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इसके अंदर में जो कि आपको म्यूजिक। हाँ, हालांकि यहाँ पर वो म्यूजिक नहीं मिलेगा जो कि आपको यूट्यूब में रेगुलर देखने को मिलता है, क्योंकि वो सिर्फ परचेस किया हुआ म्यूजिक रहता है। अगर आप परचेस कर सकते हो कंपनी के साथ तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप परचेस कर लो। बट लेकिन क्या होता है, जब आप सब्सक्रिप्शन खत्म होती है तो आपको याद ना रहे, या फिर आपको एक रिमाइंडिंग मेल आता है कि आपका सब्सक्रिप्शन खत्म होने, आपने यूज़ करना था तो आपने यूज़ कर लिया, बट लेकिन आपको उसके सब्सक्रिप्शन हमेशा चलानी पड़ेगी। कई दफ़ा पॉलिसी के अंदर में फ्री ऑफ कॉस्ट में लिखा तो रहता है, लेकिन नो कॉपीराइट लिखा रहता है, लेकिन
कब कंपनी की पॉलिसी चेंज हो जाती है, पॉलिसी चेंज करने के लिए आपको इन्फॉर्म थोड़ी ना किया जाएगा कि एक पॉलिसी चेंज हो रही है। तो पॉलिसी कंपनी किसी भी टाइम चेंज कर सकती है, तो आपको उस चीज़ का पता चलेगा नहीं और डायरेक्ट आपके वीडियोस के ऊपर स्ट्राइक आ जाएगा। सो इससे बचने के लिए आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको अपने यूट्यूब पर यहीं से म्यूजिक लेनी चाहिए। बाई द वे अगर आपको म्यूजिक अगर नहीं भी लगानी है तो क्या दिक्कत है, आप अपनी साउंड से भी वीडियो अच्छी बना सकते हो। तो मान लीजिए कि हमें ये ऑडियो अपने वीडियो के अंदर में लगानी है, हमें वीडियो ये ऑडियो हमें पसंद आ गई, तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम यहाँ डाउनलोड पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख लीजिए डाउनलोड ये फाइल होगी, ये तुरंत ही डाउनलोड हो जाती है। देन यहाँ से ओपन करके आप रख सकते हो। अब पूछोगे कि हम बहुत इस म्यूजिक को बहुत जगह वीडियो में लगाते हैं, कहाँ कहाँ हम इसके लाइसेंस को हम कॉपी करके लगाएंगे, ये हमें कैसे याद रहेगा। इसके लिए आपको सिंपली यहाँ से इसे कॉपी करना है। अगर आप मोबाइल में कर रहे हो तो मोबाइल में भी कॉपी का ऑप्शन आ जाता है। आप कॉपी करने के बाद अपनी नोटबुक या नोटपैड के अंदर आपके मोबाइल डिवाइस में जो भी होगा उसमें, नोटपैड या नोटबुक जो भी आपके मोबाइल डिवाइस में होगा वहाँ पर आपको सिंपली जाना है। देन यहाँ पर आपको म्यूजिक का लिख लेना है। एक तो आपको गैलरी बना के रखनी होगी, नंबर वन। नंबर टू आप डाल के यहाँ पर अपनी म्यूजिक का नाम डाल दें, म्यूजिक का नाम डाल दें आप जो भी, म्यूजिक का मैंने नाम डाल दिया यहाँ पर। अब उसके बाद इसे हम पेस्ट कर देंगे, ये मेरा पेस्ट हो गया, अब ये मेरा सेव हो जाएगा। उसके बाद जब भी हमें कोई भी म्यूजिक अगर डालना होगा तो इसके अंदर 1 2 3 करके हम यहाँ पर सेव कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास कभी भी कॉपी स्ट्राइक नहीं आएगा क्योंकि हमने एकदम पॉलिसी के तहत ही काम किया है, तो हमें कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आने का कोई संभावना ही नहीं है। तो फ्रेंड आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना भूलना नहीं। टैक्स से रिलेटेड मैं हमेशा वीडियो लाते रहता हूँ, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।